लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज पर। मेरे साथ इस समय सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के छोटे भाई गुड्डू धामी जुड़ चुके हैं, जो हड़खोला के प्रधान भी हैं और इस समय चुनाव बोर्ड पर एक्टिव दिख रहे हैं। गुड्डू जी, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। गुड्डू जी, सबसे पहला सवाल यही होगा कि आजकल जो सबसे चुनावी रैलियां चल रही है, चंपावत से ही शुरू करेंगे हम। चंपावत में आपकी क्या भूमिका चल रही है अभी और कितना कर रहे हैं आप प्रचार? जी, प्रचार जोर शोर से चल रहा है। हम तो ऐसे जो दूर दराज के गांव में गए हैं, जहां बहुत समस्याएं हैं, वहां बेचारे बहुत दूर दूर क्षेत्र में, हम पुण्यगिरी के नीचे चौका गांव पे गए, वहां बहुत दूर दूर गांव है, हमने वहां प्रचार प्रसार किया और लोगों ने पूरा मन बना लिया कि पुष्कर सिंह धामी को इस बार वोट देना है और हमने और विकास को वोट देना है और पूरा मन लोगों ने बना लिया। जी, कैलाश गहतोड़ी साहब ने बहुत अच्छा सराहनीय कदम था उनका, उन्होंने यहाँ पर जो फैसला लिया था ये अहम फैसला माना जाता है। ऐसे में आपके डिहरीहाट विधानसभा की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जी का शायद आपने पिछली बार भी बताया था कि उनका मन डिहरीहाट से भी लड़ने का था, ऐसे में क्या समीकरण रहा कि डिहरीहाट से नहीं लड़ पाए? देखिए, समीकरण इतना तो हमको पता नहीं है समीकरण क्या था। कैलाश गहतोड़ी जी ने तो चंपावत को एक विकासशील विधानसभा बनाने के लिए उन्हें अपनी सीट छोड़ी थी और उनका एक फैसला सही साबित होगा आने वाले टाइम पे। और हम भी चाह रहे थे कि विधानसभा डिहरीहाट से बड़े भाई चुनाव लड़े, क्योंकि उनका ये घर क्षेत्र था, पैतृक गांव इनका उनका यही था और सारे लोगों, पहाड़ के लोगों की इच्छा, दिली इच्छा हो रही थी कि पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन कुछ समीकरण बन नहीं पाए जो यहाँ से वो चुनाव नहीं लड़े। और सबसे पहला प्रस्ताव जो था, जिस दिन आया था, उस दिन गहतोड़ी जी का था कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ से विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो उनका खटीमा विधानसभा ऐसी विधानसभा जहाँ से वो हारे चुनाव हारे थे और उसी से सटा हुआ एक विधानसभा चंपावत है, उनने चंपावत से ही चुनाव लड़ना सही समझा और चंपावत की पूरी जनता अभी पूरा मन बना चुकी है कि पुष्कर सिंह धामी को इस बार वोट करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग आप लोग कर रहे हैं, आप चंपावत के विभिन्न भागों में भी गए, विभिन्न वर्गों में आपकी तस्वीरें भी जैसे कि आपने मीडिया में चल रही है, आपने हमें भी भेजा है अपने तस्वीरें, तो जैसे लोगों से मिल रहे हैं, तो आप पहाड़ी लोग कितने हैं वहां पर, पहाड़ के जो टनकपुर में बनबासा में, पहाड़ के पिथौरागढ़ जिले के कितने लोग बसे हैं वहां? जी, टनकपुर और बनबसा में बहुत सारे लोग डिहरीहाट विधानसभा के भी हैं और पिथौरागढ़ जिले के लोग बहुत वहां पर बहुत मात्रा पे हैं और बाकी वहाँ मुस्लिम समुदाय की वोटें भी बहुत हैं और सबने इस बार पूरा मन बना लिया कि पुष्कर सिंह धामी जी को ही वोट करेंगे। और फिर उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र चंपावत में पहाड़ी लोग भी, पूरे पहाड़ी लोग चंपावत में आते हैं और हमारे पिथौरागढ़ जिले के लोग तो बनबसा और टनकपुर में बसे ही हैं, उनका तो पूरा मन है कि पुष्कर सिंह धामी जी को ही वोट करेंगे। ये बड़ी बात आपने बताई कि वहां पर मुस्लिम समुदाय जो है वो भी कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को सपोर्ट कर रहा है। मैंने तस्वीरों में देखा था कि उनकी धर्म पत्नी गीता धामी जी मुस्लिम समुदाय से मिल रही है तो वो आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, जीत की पूरी तरह विश्वास उनको दे रहे हैं कि हम यहाँ से पुष्कर सिंह धामी को ही जिताएंगे। तो ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपका गृह क्षेत्र जो है धामी जी का हड़खोला घर होने के डिहरीहाट विधानसभा उनका गृह क्षेत्र है, तो ऐसे में गुड्डू धामी जी आप प्रधान भी है, यहाँ के सक्रिय भूमिका आपकी है, तो डिहरीहाट के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी, हम तो चाहते हैं कि डिहरीहाट विधानसभा में विकास हो और जो विकास कार्य अभी डिहरीहाट विधानसभा में रुके हैं उन विकास कार्यों को हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री जी तेजी लाए और डिहरीहाट विधानसभा का विकास होगा क्योंकि उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गृह क्षेत्र है और आने वाले टाइम पे भी सारी जो इधर सुविधा नहीं है उस सुविधा को और दूर करेंगे और आने वाले टाइम पे डिहरीहाट विधानसभा का विकास होगा। और रही दूसरी बात चंपावत विधानसभा में, उसमें माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी जी का डोर टू डोर कैंपेनिंग बहुत जबरदस्त चल रहा है और उनको पूरा आशीर्वाद मिला है और उनके साथ काफी महिलाएं भी हैं। जी नहीं, आप भी उनके साथ पिछली बार चुनाव प्रचार में थे खटीमा में, तो ऐसे में खटीमा हार का मुंह देखना पड़ा पुष्कर सिंह धामी जी को, लेकिन यहाँ चंपावत की जनता 100% श्योरिटी के साथ कह रही है कि पुष्कर सिंह धामी को हम जिताएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे।
तो ऐसे में आप ये बताइए कि जो चंपावत में जो कैंपेनिंग चल रही है धामी जी की धर्मपत्नी और धामी जी की, दोनों में कितना अंतर देख रहे हैं आप? जी अंतर कुछ नहीं, अंतर दोनों का है कि दोनों की अलग अलग कैंपेनिंग चल रही है और डोर टू डोर भाभी पूरी जनसभाएं ले रही है टनकपुर में और बनबसा में और चंपावत के दूर दूर गांव में, पैदल मार्गों में भी उनने जनसभाएं की हैं और पूरी महिलाओं का उनके उनका सपोर्ट मिल रहा है, महिलाएं उनके पूरी साथ हैं और धामी जी का भी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और अपनी जनसभाएं करते रह रहे हैं टनकपुर में, बनबसा में और चंपावत के हर कोने कोने में। जी व्यक्तिगत तौर पर आपने कितनी अभी तक सभाएं की और कितने लोगों से आप मिले हो? जी मैं तो अभी बनबसा और टनकपुर के क्षेत्र में ही था और मैं परसों ये टनकपुर चंपावत विधानसभा की सबसे दूर दुरुस्त गांव पे गया था, मैं चुका एक गांव पड़ता है उधर मैं गया था, वहां भी बिजली लाइट भी अभी तक वहां उस गांव पर लाइट भी नहीं है और आज उसमें अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना अभी गई है और रोड गई है और अब हमने कहा कि विधानसभा उस ग्राम पंचायत में अभी लाइट भी आएगी और सारा काम उधर होगा और रास्ते भी नहीं है उधर, रास्ते भी बनेंगे। अब जब लोगों ने कहा कि हम तो पुष्कर सिंह धामी जी को ही वोट करेंगे क्योंकि हमारा सब जो विकास कार्य रुके हैं वो सब विकास कार्य यहाँ पर होंगे। जी धामी जी, जब आप लोगों से यहाँ मिलते हैं, लोगों से कनेक्टेड होते हैं तो आप बताते होंगे अपने बारे में कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो लोग आपसे कुछ मांग करते हैं, कुछ दरखास्त करते हैं कि हमारी मांग है कि हमारी बात है धामी जी तक पहुंचाई जाए, कुछ कहते हैं आपसे जनता? जी 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 लोगों की मांग है कि मैं जब बताता हूँ उनको कि मैं उनका चचेरा भाई हूँ तो उनकी मांग यही रहती है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दें कि यहाँ ऐसी समस्या है करके लोगों की यही बातें होती हैं और मैं भाभी को बता देता हूँ, उनकी धर्मपत्नी को श्रीमती गीता धामी जी को मैं बता देता हूँ कि यहाँ ऐसी समस्या है, तो उनका समाधान अब रिजल्ट आने के बाद हो जाएगा, पूरा समाधान होगा। चंपावत विधानसभा में विकास की नदियां बहने वाली है। जी सर, मैं आपसे आपकी उपलब्धियां मैं पूछना चाहूंगा, 7 महीने पिछले कार्यकाल के और करीब 3 महीने होने जा रहे हैं इस कार्यकाल के, यानी कि 10 महीने के करीब तकरीबन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बन चुके हैं, ऐसे में आपने मुख्यमंत्री के छोटे भाई होने के नाते कितना लाभ जनता के लिए उठाया आपने पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से? जी जनता का, जनता जितनी भी हमारे गृह क्षेत्र में पहले भी जब आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी का जब कार्यक्रम लगा था जीतने के बाद, तब भी हमने गरीब लोगों के लिए आर्थिक सहायता के लिए बोला था और आर्थिक सहायता हर किसी के, जिसने भी आर्थिक सहायता के लिए अपने वो लगाया था सबके आर्थिक सहायता आई और लोग काफी खुश हैं कि लोग कहते हैं कि यार जब कोई डॉक्यूमेंट देता है तो ये दब गया, ये हमारे बड़े भाई के कार्यकाल में ऐसा नहीं होना है क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट जिसके उनके पास जाना है उसमें पूरा समाधान होना है और समाधान होके आया है। आप देख सकते हैं 6 महीने का कार्यकाल इससे पहले था और 3 महीने अभी बीत चुके हैं, 6 महीने के कार्यकाल में जितने भी हमने मांग की थी और जितने भी लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था उन सबका काम हुआ है। K24 न्यूज लगातार सोशल इश्यूज उठाता है और गांव की परेशानियां उठाने की कोशिश करता है, ऐसे में वहां की जो जनता है, वहां के जो बेरोजगार है, उनका ये कहना है कि वीडियो में जो अभी भर्ती हुई थी उसमें गुणवत्ता नहीं भर्ती में करवाया गया था, यहाँ उनकी मांग है कि पुष्कर सिंह धामी जी एक निष्पक्ष जांच करें ताकि न्याय मिले यहाँ के छात्रों को, ऐसा उनका कहना है। अगर आप हमारी मांग उन तक पहुंचा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी इसका समाधान मैं करूंगा, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा कि इसमें जांच होने के लिए, मैं करवाने के लिए मैं बात करूंगा इसमें। जी 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 व्यक्तिगत तौर पर आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हड़कोला का आपने काम भी किया और पुष्कर सिंह धामी जी का आप वहां पर बागडोर बड़ी अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, तो क्या आने वाले समय पर हम आपको भी राजनीति की दिशा पर देख सकते हैं? जी देखिए तो ऊपर वाले की कृपा है और इसमें अब ऊपर वाले की कृपा भी है और राजयोग भी होना जरूरी है और उसके बाद बड़े भाई का आशीर्वाद भी होना बहुत जरूरी है। अब देखो हम भी राजनीति से जुड़े हैं और हम भी चाहते हैं कि राजनीति में हम भी रहें और लोगों की समस्याएं दूर करें और गरीब लोगों की सहायता करें, यही मेरा पहले से ही, जब मैं छात्र नेता था मैं 2010-11 में मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष के पद में रहा, उसके बाद मेरे को 4-5 महीने का अध्यक्ष का कार्यकाल भी मिला और उसके बाद मैं ग्राम प्रधान अभी इस गांव का निर्विरोध ग्राम प्रधान बना और लोगों ने जो इच्छा मेरे ऊपर, जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है उसका मैं पूरा साथ देता हूं और हर किसी की गांव में मदद करता हूं और मैं किसी टाइम भी एनी टाइम जनता के साथ 24 घंटे खड़ा रहता हूं और आगे भी मैं
पूरी जनता के साथ खड़ा रहूंगा और क्षेत्र टू क्षेत्र में हर किसी के साथ जुड़ा रहता हूँ, हर किसी की समस्या के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आने वाले टाइम पे मैं हर किसी की मदद करूंगा और जनता के साथ पूरा रहूंगा। नहीं, अभी तो 5 साल अब गुड्डू धामी को गांव से निकलकर बाहर आना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि ऐसे में गुड्डू धामी जी को गांव से निकलकर यहाँ क्षेत्र की जनता के हित के लिए काम करना होगा। आपसे बड़ी अपेक्षा है क्षेत्र की जनता की, क्योंकि आप एक बीच का भूमिका निभाएंगे, मुख्यमंत्री जी तक लोगों की समस्या पहुंचाने का काम करेंगे, तो ऐसे में डिडिहाट की जनता को आपको आपका कितना फायदा मिलेगा? जी देखिए, डिडिहाट की जनता का साथ तो मेरे को जनता का साथ पूरा मिलता है, और उसके बाद रहे पूरी जिले के, मेरे को कोने कोने से फोन आते हैं कि ये समस्या यहाँ पर ही चल रही है, ये समस्या यहाँ पर ही चल रही है, तो मैं तत्काल अधिकारियों से बात करके उसका समाधान करता हूँ। और मेरे को काफी पिथौरागढ़ जिले में महिला चिकित्सालय से भी उनका फोन आता है कि यहाँ ऐसी समस्या हो रही है, ऐसी समय में तत्काल CMO साहब और DM साहब से बात करके उसका समाधान करता हूँ, और बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, मैं उस पर पूरी बात करता हूँ। जी एक और चीज है, डीडीहाट में पिछले कई दशकों से अभी तक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। 3 बड़े ब्लॉक आते हैं डीडीहाट में, अगर बात करें तो डीडीहाट विधानसभा में मुनाकोट ब्लॉक आ गया, आपका कनालिसना ब्लॉक आ गया, आपका डीडीहाट खुद एक अपने आप में ब्लॉक है, आप कनालिसना ब्लॉक से रहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड मशीन न होने के कारण हमारी जो माता बहने हैं उनको किसी भी दर्द होते ही, पेट में दर्द उठता है तो उनको पिथौरागढ़ जाना पड़ता है अल्ट्रासाउंड के लिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको मांग करनी चाहिए पुष्कर सिंह धामी जी से, और आपको प्रशासन से भी इसकी मांग करनी चाहिए। इसके लिए क्या पहल आपकी तरफ से होगी, क्या कदम आप उठाएंगे? जी हम तो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं डिडियार ब्लॉक में ही आता हूँ, मेरी ऐसी ग्राम पंचायत जो लास्ट कोने पे है, और डिडियार ब्लॉक के सबसे लास्ट कोने पे ग्राम पंचायत मेरी आती लास्ट वाली। और रही दूसरी बात, मैं जब कॉलेज टाइम पे था तब से मैं सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है और यहाँ बहुत सारी समस्याएं वहां पर चलती हैं डिडियार्ट सामुदायिक केंद्र पे। और इस बार मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि ने भी इसमें आवाज उठानी चाहिए, और सबसे पहली बात तो हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक जी हैं उनकी सबसे प्रमुखता मांग यही होनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही जो विधानसभा में कार्य हो सकते हैं। 25 सालों से विधायक हैं, 25 सालों से जिनकी आप बात कर रहे हो, पिछले 25 सालों से जी 25 साल से हैं अब जी। ऐसे में डीडीआर की जनता मुझसे फोन करके कहती है, डीडीआर की जनता मुझसे कहती है कि भाई साहब आप कुछ कीजिए, तो मेरे पास तो सब संसाधन है, मेरे पास मीडिया एक माध्यम है, आवाज उठाना मेरा काम है, तो मैं अब आप ही के पास गुहार लेके आ रहा हूँ डीडीआर की जनता की। सर अल्ट्रासाउंड मशीन लगवा दीजिए और कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति करवा दीजिए ताकि हमें स्वास्थ्य अच्छा मिल सके डीडीआर की जनता को। जी इस बार भी हमारे जो ब्लॉक प्रमुख है श्रीमती बबीता चौपाल जी, उनने भी आवाज उठाई है कि उनने भी मांग की है अभी अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए। देखिए अब हम भी माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दूर दूर इस डिडियार्ड ब्लॉक के अंदर ही बहुत दूर दूर गांव ऐसे गांव है जहां से बहुत सारे लोग मरीज पिथौरागढ़ जिले में जाते हैं, बहुत काफी लंबा टाइम हो जाता है उनके लिए। तो हम भी चाहते हैं कि पिथौरागढ़ डिडियार्ड सामुदायिक केंद्र में अल्ट्रासाउंड की मशीन लग जाए, इसके लिए भी मैं भी मांग करूंगा। धारचूला की भी बात करेंगे सर, धारचूला से भी लोग आते हैं एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, उनको 2,500 रुपए की गाड़ी बुक करके आना पड़ता है सर, उनके बारे में भी सोचिए थोड़ा, क्योंकि सूबे में आपको मौका मिला है, आपके बड़े भाई है सूबे के मुखिया, तो आपको भी मौका मिला है, इस मौके का सदुपयोग करके मैं चाहूंगा कि आप जनता हित के लिए आवाज उठाना शुरू करें आज से ही। मैं भी चाहता हूँ कि जनता की आवाज पे मैं भी उनका साथ दूं, और मैं भी चाहता हूं कि आज तक हम आवाज उठा नहीं पाते थे और अभी हम आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि मैं आवाज उठा सकता हूं कि अभी इस उत्तराखंड के सूबे के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई हैं, मैं उसमें पूरी मदद जनता की करूंगा, और मैं चाहता हूं कि हर वो सुविधा यहां हो जिससे आदमी पिथौरागढ़ ने जा सके और हल्द्वानी न जा सके और उनकी सुविधा इधर ही हल हो जाए, मैं उसके लिए मैं भी प्रयासरत रहूंगा पूरा। देखिए गुड्डू धामी जी, हम ये नहीं कहेंगे कि समूचा आप पूरे के पूरे 70 विधानसभा में फोकस रखें, ये नहीं कहेंगे, आप अपना गृह क्षेत्र की जनता की सेवा तो कर ही सकते हैं, ये अवसर आपको मिला है, ये मौका आपको मिला है,
डीडीआर धारचूला मुनस्यारी और जो दूर दराज की जनता है आपको बड़ी दुआएं देंगी अगर आप मुख्यमंत्री जी तक इनकी आवाज पहुंचा सके और मुख्यमंत्री जी से इनके निवेदन को स्वीकार करें मुख्यमंत्री जी और इनका काम करवा पाएंगे तो आपको बड़ी दुआएं मिलेंगी सर। जी 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 पहाड़ की जनता ऐसी जनता है जिनकी मदद करेंगे तो दुआएं भी बहुत मिलती है। जी मैं जब बचपन से ही था मैं भी लोगों की दुआ लेनी मैं भी चाहता था कि भगवान से ज्यादा दुआएं लोग मुझे दें और मैं उसी प्रयास में अभी भी हूं और मैं भी जितनी भी जनता है जो भी समस्या जनता की है इधर इस डिडियाड विधानसभा की मैं वहां सीएम साहब तक मैं पहुंचाऊंगा उसके लिए मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा। जी बिल्कुल ये भगवान ने आपकी दुआएं सुनी भी और कबूल भी की है और आपको सूबे के मुख्यमंत्री छोटे भाई होने का आपने कर्तव्य भी निभाना होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ कि आप आने वाले समय पर ऐसे ही आगे बढ़े और आगे अच्छे काम करें लोगों की सेवा करें लोगों के दिलों में राज करें। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा कीमती समय आपने दिया और पुष्कर सिंह धामी लास्ट कॉमेंट लूंगा आपका पुष्कर सिंह धामी जी की जीत कितनी प्रतिशत से हो रही है और क्या समीकरण चंपावत का रहेगा एक बार इसको बता दीजिए लास्ट कॉमेंट। इस उत्तराखंड की जो अभी तक जो रिकॉर्ड अभी तक हुआ है उस रिकॉर्ड को इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से उपचुनाव जीतकर तोड़ेंगे और एक ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत से जीत होने वाली है और हमको जिस तरह से हम वहां पूरी विधानसभा में घूमे हैं और जिस हिसाब से हमने प्रचार किया है हमको लगता है कि 60,000 से ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री की जीत होने वाली है और विपक्षी कांग्रेस की जो विपक्षी पार्टी में है उनकी जमानत जब्त भी हो सकती है आप 3 तारीख को इंतजार करिए और एक प्रचंड बहुमत से और ऐतिहासिक जीत डिडाट वो चंपावत विधानसभा में होने वाली। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू धामी जी हम 3 तारीख का इंतजार करेंगे साथ देखिए हम जब पुष्कर सिंह धामी विधायक की शपथ लेंगे उसके बाद हम आपको फिर दोबारा आमंत्रित करेंगे अपने चैनल में आप प्रदेश और कई क्षेत्र के हित में काम कीजिएगा हम लगातार आपको इनवाइट करेंगे और समस्याओं से आपको अवगत कराएंगे आप बहुत एक अच्छा माध्यम है जो मुख्यमंत्री कार्यालय तक जनता की बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने कीमती समय निकाला K24 न्यूज़ से बात करने के लिए। जी धन्यवाद जी नमस्कार। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।